फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही हैं और अच्छे ही रहना है। तो अपना खूब ध्यान रखें और माता पिता का कहना ज़रूर माने। तो आगे हम बढ़ते हैं, अपना चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विद नंबर्स। तो नंबर्स के साथ तो हम खेल ही रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो आज थोड़ा और खेलेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में बताया था, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए जी एस 6 है, तो 6 किस किस पर डिवाइड होता है? 1 पर, 2 पर, 3 पर और 6 पर। तो ये क्या है इनके फैक्टर्स। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर्स के लिए क्या है कि जैसे कि हमारे पास टू नंबर्स हैं, टू नंबर्स हम कोई भी ले लेते हैं, 4 एंड 6 मैंने ले लिए। तो आपने क्या करना है कि 4 और 6 के फैक्टर बनाने हैं। जैसे कि मैंने फैक्टर ऑफ 6 के मैंने फैक्टर बना लिए, क्या क्या हैं? 1, 2, 3 एंड 6। अब मैं क्या ले लेता हूँ? फैक्टर ऑफ 4। तो 4 किस किस के टेबल पर जाता है? 1 के टेबल पर जाता है, 2 पर एंड 4 इट्सेल्फ 4 पर भी जाता है। तो हमें क्या लेना है इसके अंदर? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर बेटा क्या हो सकता है इसके अंदर? क्या होंगे कॉमन फैक्टर इसमें? तो आप देखें कि फैक्टर और 4 और 6 में जो नंबर कॉमन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 और 1, ये कॉमन आ रहा है। तो एक तो कॉमन फैक्टर हो गया 1। दूसरा, दोनों में 2 2 आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2। और कुछ तो दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या चीज़ होगी हमारी? कॉमन फैक्टर। तो समझ में आ गया सभी को? पहले हमने क्या है कि जिस भी नंबर की बात करता है उस नंबर के आपने फैक्टर बना लेने हैं। फैक्टर बनाने के बाद उनमें जो कुछ भी कॉमन आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉमन मल्टीपल की तरफ। कॉमन मल्टीपल्स कौन से होते हैं? देखिए, कॉमन मल्टीपल्स के लिए आप कोई भी टू नंबर्स ले लें। जैसे कि मान लो मैं ले रहा हूँ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हम 1 बाय 1 दोनों के मल्टीपल लेंगे। जैसे मैंने ले लिया मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 का टेबल, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, मैंने यहीं तक लिया। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का टेबल लेंगे हम, 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या किया, 21 तक ले रहा हूँ। जैसे मैं तो 21 से पहले पहले कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 बिफोर 21। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है दोनों में? 15 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आगे अगर मैं और बढ़ता हूँ, 28 के बाद 3 के जो टेबल है वो क्या आएगा? 24, 27 और 30। और 5 में 20 के बाद 25 और फिर 30। तो अगला कॉमन मल्टीपल क्या हो गया दोनों में? 30। तो कॉमन मल्टीपल जो हैं वो आ गए यहाँ पर 15 और 30। अगर मैं इनके टेबल को और आगे बढ़ाता जाऊँगा तो और कॉमन मल्टीपल आते जाएंगे। ठीक है, तो पहले दो कॉमन मल्टीपल हो गए इसके 15 और 30। तो इस तरह से आप कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। तो अगली एक डेफिनेशन है हमारे पास को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऐसे नंबर जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, यानी कि ओनली वन कॉमन फैक्टर, तो वो क्या होंगे हमारे? को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ 7 एंड 15। अब 7 के जो फैक्टर हैं वो क्या हैं? 1 और 7 ही। और 15 के अंदर 15 1 पर जाता है, 3 पर भी, 5 पर भी और 15। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1। ठीक है ना, अगर सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, एक ही कॉमन फैक्टर, और वो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। ठीक है, तो वो दोनों नंबर्स क्या होंगे हमारे? को प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर 7 और 15 जो है वो हमारे को प्राइम नंबर हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, तो एक और एग्जांपल लेते हैं 18 एंड
23। 18 के अगर आप फैक्टर लेंगे तो 18 किस पर जाता है, 1, 2, 3, ठीक है, 6 पर भी जाता है, 9 पर भी और 18 पर भी। और 23 पर हम देखें, 23 के फैक्टर क्या होते हैं, 23 1 के टेबल पर जाता है, 1 पर तो कुछ भी जाता है और एक 23 पर भी जाता है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं 1। तो कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पर वो क्या है, 1। तो 18 और 23 क्या होंगे, हमारे को प्राइम नंबर्स, मतलब जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो और वो फैक्टर क्या होगा, 1। तो वो नंबर्स क्या होंगे, हमारे को प्राइम नंबर। तो चलो आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन 20 एंड 28। तो 20 एंड 28 के हमें क्या लेने हैं, कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स लेंगे, ठीक है, फैक्टर्स किसके लेंगे, 20 के। तो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, किस किस के टेबल पर जाता है, 1 के टेबल पर जाता है, 2 पर, 4, 5, 10 एंड 20। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 28, 20 किस किस के टेबल पर जाएगा, 1 पर जाता है, 2, 4, 7, 14 एंड 28। तो वो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हमें ये बताना है इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स यहाँ बेटा क्या आएगा, देखें आप, 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ गया इसमें, और कोई नंबर और आ रहा है कॉमन, कोई और नहीं आ रहा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1, 2 एंड 4, ये क्या है, हमारे कॉमन फैक्टर्स। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन का भी हम एक पार्ट करेंगे। सेकंड का हम भी पार्ट करते हैं, इसमें कहता है फाइंड दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25। तो ये इसका बी पार्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे बारी बारी से। पहला फैक्टर्स ऑफ 5, फिर फैक्टर्स ऑफ 15 और फिर हम फैक्टर्स ऑफ 25। तो 5 के तो आपको पता ही है, बड़ा इजी है, 5 के तो क्या बनेंगे, 1 और 5 ही बनेंगे। अब 15 किस किस के टेबल पर जाता है, 1 पर जाता है, 3 पर, 5 पर और 15 पर। और 25, 1, 5 और 25। तो अब इनके अंदर आपको कॉमन फैक्टर बताना है। देखिए 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स के लिए हम तीनों में हमें कॉमन नंबर्स चाहिए, ये नहीं कि किसी दो में हमने देख लिया, तीनों में आना चाहिए। जैसे पहले में भी 1 आ रहा है, दूसरे में भी और तीसरे में भी 1 आ गया, और 5 पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसके अंदर, 1 एंड 5। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, 3 का हम बी पार्ट करेंगे। इसमें कहता है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ किस किस के देखने हैं हमने, 12 एंड 18 के। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 12 का टेबल ले लें, 12 का टेबल हम ले लेते हैं, 10 तक ले लेते हैं, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120 एंड सो ऑन चलता जाएगा। फिर हम 18 का टेबल ले लेते हैं, 18, 1, 18, 2, 36, 54, 72, 90 एंड 108 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो हमें कहता है कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल लेने हैं, तो फर्स्ट 3 जो है हमने कॉमन मल्टीपल लेने हैं। तो पहले 3 कॉमन मल्टीपल, तो देखें कौन कौन से हैं इसमें, 12, 24, 36। देखिए 36 ऊपर आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, फिर इसके बाद ये 72 आ गया, और इसके बाद फिर 108 आ गया। तो ये हमने 3 कॉमन मल्टीपल ले लिए, ठीक है। पहले हमने क्या किया, 12 का टेबल लिया, फिर 18 का टेबल लिया, और उसके बाद जस्ट इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको हमने लिख दिया।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। अब 3 और 4 से जो कॉमन मल्टीपल हैं वो आपको लेने हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीपल्स ऑफ 3 and मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखने पड़ेंगे। और कहाँ तक लिखने पड़ेंगे, 100 तक। तो पहले हम 3 के लिख लेते हैं, 3 के क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब आपको क्या है कि इनका कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल के लिए आप देखेंगे इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है दोनों में। एक तो ये 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया। इसके बाद आप देखें तो ये 24 आ रहा है, फिर नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देख रहे हैं 36 आ गया, फिर ये 48 आ रहा है, 48 के बाद जो है 60 के बाद 72, ठीक है, फटाफट इसको आप देखते जाएंगे। तो 72 के बाद आपको नज़र आ रहा है 84, 84 के बाद क्या नज़र आ रहा है इसके अंदर देखें ध्यान से, 96। तो ये जो नंबर हैं ये सभी क्या है, कॉमन मल्टीपल हैं 3 और 4 के, ठीक है। तो इसका है बेटा, एक और आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। जैसे हमने मल्टीपल ऑफ 3 इतने सारे लिखे, मल्टीपल ऑफ 4 इतने सारे लिखे, तो आपने क्या करना है कि जो 3 और 4 है, जो 3 और 4 है ना, इसका सबसे पहला मल्टीपल देख लेना है। 3 और 4 का सबसे पहला मल्टीपल क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। देखो यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। 3 और 4 का सबसे पहला मल्टीपल क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो आपने 100 से पहले क्या करना है, 12 का टेबल लिख देना है, ठीक है। जैसे 12 का टेबल क्या होगा, 12, 24, 36, 48 के बाद क्या आएगा बेटा 12 के टेबल में, 60, 72, 84, 96। तो देखो 3 और 4 का सबसे पहला मल्टीपल आ गया 12, उसके बाद मैंने ये 12 का टेबल लिख दिया, तो यही हमारा आंसर है। ये है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अगर आप लॉन्ग मेथड में चलेंगे तब तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, पहले 3 का टेबल 100 तक और 4 का टेबल 100 तक जितना भी जा रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर आपको कॉमन छांटना पड़ेगा। और इजी मेथड क्या है कि 3 और 4 का पहला जो मल्टीपल है 12, आप इसका टेबल ले लेंगे। देखो इसका टेबल ही तो चल रहा है, 12 के बाद 24, 24 के बाद 36, फिर 48, फिर 60, फिर 72, फिर 84 और फिर 96। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स जो है वो आपने क्या करना है इसके अंदर छांटने हैं, कि कौन कौन से नंबर जो है इसके अंदर कोप्राइम है। सबसे पहला है ए, 18 और 35। तो आप क्या करेंगे इनके कोप्राइम नंबर्स के लिए, क्या करेंगे इनके फैक्टर बनाएंगे। 18 के क्या बनेंगे, 1 पर जाएगा, ठीक है। 18 जो होता है वो 1 पर जाता है, 1 के बाद ये 3, 6, 9 और 18। 35 1 पर जाता है, 5 पर जाता है और 7। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसमें, 1, जस्ट ओनली 1 है, तो यस इट इज से कोप्राइम नंबर। तो ये क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। एक पार्ट और करते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमने इसका बी पार्ट ले लिया, 15, 15 के क्या बनते हैं, 1, 3, 5 और 15। फिर आता है 37, 37 तो 1 पर जाएगा या 37 पर जाएगा, तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो आ गया 1, तो यस इट इज़ ए कोप्राइम नंबर, ये कोप्राइम नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट आपने इसी तरीके से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें,
ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12. बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल. तो इसके लिए क्या करना है कि आप 4 और 12 में देखें, इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो जस्ट आपने 5 और 12 को करना है मल्टीप्लाई. ठीक है, 5 को क्या करना है 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया 60. कोई भी नंबर हो, मान लो 3 और 4 होता, ठीक है, अगर मान लो 3 और 4 की बात करता तो आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते, क्या आ जाता 12. तो ये कहता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये हमेशा डिवाइड होंगे, तो क्या करना है आपने इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. नंबर क्या आ गया 60. ठीक है, तो कौन सा नंबर हो गया, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 60. तो कौन से नंबर से ये डिवाइड होंगे हमेशा, या किस नंबर को ये हमेशा डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे. यानी कि जो कोई भी नंबर है 5 और 12, अगर जो 60 जिसको डिवाइड करेगा तो 5 और 12 भी उसको डिवाइड करेंगे. ये मतलब समझ में आया, ठीक है, ये मतलब आप समझें कि 60 जिसको डिवाइड करेगा उसको 5 और 12 हमेशा ही डिवाइड करेंगे. लास्ट क्वेश्चन में कहता है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12. एक ऐसा नंबर है जो 12 से डिवाइड हो रहा है. बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल. कह रहे बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल, और कौन कौन से नंबर जो हैं वो उस नंबर को डिवाइड करेंगे. ठीक है ना, जो नंबर 12 को डिवाइड कर रहा है तो ऐसे और कौन से नंबर हैं जो गिवन नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे. उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो फैक्टर्स इसके निकालो 12 के. तो फैक्टर हो गए 12 के 1, 2, 3, 4, 6 और 12. तो 12 जिसको डिवाइड करेगा, 12 जिसको डिवाइड करेगा 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 12 तो करेगा ही करेगा. तो 12 के अलावा ऐसे कौन से नंबर हैं जो गिवन नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे, वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा. तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1, 2, 3, 4 एंड 6. तो आज बेटा हमने कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ा. उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा आपको, और साथ में मैंने आपको कोप्राइम नंबर के बारे में भी बताया है, और एक्सरसाइज 3.4 हमने कंप्लीट कर लिया है. तो आपने इसके जो क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करना है, तो खूब मेहनत करें, माता पिता का नाम रोशन करना है और कहना ज़रूर मानना है, ठीक है ना. माता पिता हमेशा आपकी भलाई की बात करते हैं, आपके भले के बारे में सोचते हैं, तो उनका कहना ज़रूर माने. और वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है. जय माता दी.